ये मेरी जिंदगी को क्या हो गया यार, कितने बड़े बड़े सपने थे मेरे, लेकिन मेरे सारे सपनों पर धनीलाल ने पानी फेर दिया। अभी तो मर गया, अगर जिंदा होता ना तो उसको पानी में डुबो डुबो के मार डालता मैं। तो सर में टोपी रख के और गधे की पूंछ की तरह मूंछ रख के अपने आप को सेठ समझता है। सॉरी अरे नहीं था, अभी तो मर गया, क्या फायदा। लेकिन अभी अभी मेरे सामने है तो मैं उसको बोलूं कि मैं सिर्फ नाम का राजा नहीं हूं, मैं काम का राजा हूं। आया सामने, ए धनीराज, आ गया बोल। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने में तुले हो धनीलाल? अरे मेरी जिंदगी खत्म हो गई, इसीलिए मैं तुम्हारी जिंदगी के पीछे पड़ा हूँ। कब तक मेरी जिंदगी से खेलते रहोगे तुम? बार बार मैं दुनिया के लिए मर गया हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए जिंदा हूँ। कोई भी ऐसी हरकत की तो तुम्हारी तस्वीर मेरी तस्वीर के बाजू में लग जाएगी। यार कैसे, कौन सा जुर्म किया मैंने जो सजा दे रहे हो तुम मुझे? देखो नीना मेरी है और मेरी ही रहेगी। अच्छा, मर गए हो लेकिन दिमाग के कीड़े नहीं मरे। अरे मरने के बाद तो प्यार और भी बढ़ जाता है, समझा कि नहीं? नीना तुम्हारी मालकिन है, उसको मालकिन समझ के उसकी सेवा करना। तुम्हें मेरे दोनों बेटों को छुड़ाने के लिए करोड़ रुपया इकट्ठा करना है, मालूम है ना? अरे कहां से लाऊं 1 करोड़ रुपया? नीना को भी मैंने मना कर दिया है, कहां से लाएगा कैसे लाएगा ये सब सोचना तुम्हारा काम है। मैं दोबारा आऊंगा बिना बुलाए। क्या दिमाग खराब कर दिया। इसे कहते हैं आसमान से गिरा और खजूर में अटका, धनीलाल की आत्मा ने दे दिया झटका। हेलो रंगीला रे, क्या बार बार हेलो हेलो करवाती रहेगी है? अबे माल के बारे में क्या सोचा घोड़ा दबा के? वो रंगीला भाई अभी तक उसके बारे में कुछ सोचा नहीं है हमने। क्या कुछ नहीं सोचा? अरे जो कुछ सोचना है जल्दी सोचो, नहीं तो मैं सोचने पे मजबूर हो जाऊंगा। मैं दोनों हीरो लोग का हाथ पैर काट के आप लोग को कुरियर कर डालेगा और उनका बचा हुआ बॉडी का अंतिम संस्कार मैं खुद ही कर डालेगा घोड़ा दबा के। नहीं नहीं रंगीला भाई ऐसा कुछ मत कीजिए, हम जरूर कुछ जल्दी करते हैं। जल्दी सोच जल्दी, वरना 1 करोड़ का वास्ते 2 लोग को कम करना पड़ेगा। अपन वापस फोन करेगा। काटता है काटूं? हाँ। रंगीला रे साहब गड़बड़ हो गया, साहब गया था प्रॉब्लम सॉल्व करने, उल्टा बिगड़ कर आ गया। अब ये तू मेरे को बताएगा प्रॉब्लम बढ़ गया या कम हो गए? अरे तेरी औकात क्या है? आज हवलदार है पर आने वाले कल में इंस्पेक्टर। शट अप, कुछ खाने को दे दो तो शट अप हो जाऊंगा। बंदूक की गोली खा ले, इस दुनिया से हमेशा के लिए शट अप हो जाएगा। साहब आप मजाक बहुत मस्त करते। वो आपने वो रंगीला के बारे में कुछ सोचा क्या? वो अपने को चुन चुन के मारेगा तो हम क्या डर कर शहर छोड़कर भाग जाए? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। नहीं नहीं हम भागेंगे नहीं, हम बहादुर है, हम पुलिस है, भागेंगे क्यों, हम तो चल के जाएंगे। तो साहब कमिश्नर अपने को जाने को देगा क्या? जब तक हम लोग रंगीला को अरेस्ट नहीं करेंगे ना, हम लोग गाँव भी नहीं जा सकते। हाँ वही तो सोच रहा हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं एक बोलूँ क्या? बोल बोल। हम लोग रंगीला के एरिया में रेड डाल देते हैं, फिर और उधर जाके उसका एक आदमी को या किसी भी आदमी को उठा के लाते और बोलते ये रंगीला का आदमी है, फिर और दूसरे दिन पेपर में छपेगा, फिर और ये पढ़ के रंगीला शहर छोड़ के भाग जाएगा। वाह दामले वाह, बिना दाम के सोचा, वो भी क्या सोचा, एकदम घटिया घटिया। फिर अरे क्या सोचता है तू, लगता है तेरे शरीर से तेरी अक्ल ज्यादा मोटी हो गई है। अरे हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे लाठी भी मरे और सांप भी ना टूटे। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वही तो बोला मैंने। ओए खोते हो, ओए लगता है तुम्हारे घर वालों को तुम लोगों की फिक्र ही नहीं है। अभी बहुत हो गया, अब तुम दोनों में से किसी एक को टपकाऊंगा ना, तभी ये बात उनके समझ में आएगी। भाई 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 मैं अकेले मरना नहीं चाहता।
ऊपर जाने को क्या डर लगता है? नहीं नहीं भाई, मैं क्या है कि ऊपर अकेला बोर हो जाऊंगा, इसलिए अपने भाई को साथ में लेके जाना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहा तू? नहीं नहीं, मैं देखो अकेले मेरे बिना रहोगे ना तो बोर हो जाओगे ना, तो मेरे साथ चलो ना। रंगीला भाई, रंगीला भाई, आप इसकी बातों को मत सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप पहले मुझे गोली मारिए, पहले मैं मरूंगा। रंगीला भाई, पहले मैं मरूंगा, लेकिन गोली ना साइलेंसर डाल के चलाना, मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई, ये तो गेम अपने हाथ से चारेला है, ये लोग तो खुद ही मरना चाह रहे। नहीं नहीं भाई, भाई बहन भाई, वो दरअसल क्या है ना, हम तो आत्महत्या भी कर सकते हैं, हम तो आपके भले की सोच रहे हैं। देखिए, अगर आपने हमें मारा ना तो फिर आप जेल चले जाएंगे, जेल। ओए, और तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? रंगीला भाई, आप इस डफर की बातों में मत आना, अब मेरी बात सुनिए। अगर आप हमें मारेंगे ना तो हमारे फैमिली वाले बहुत खुश हो जाएंगे, इसीलिए हम मरना नहीं चाहते। और हमारे जिंदा रहने से उनको खतरा है। और अगर हम जिंदा रहेंगे ना, बात सुनो रंगीला भाई, अगर हम जिंदा रहेंगे ना तो आपको ज्यादा रुपया मिलेगा। वो कैसे? हमारे नाम की ना 5-5 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी है। इंश्योरेंस पॉलिसी। और रंगीला भाई, जब मेरी बात सुनो, अगर हम मर जाएंगे ना तो राजा और नीना को ना पूरे 10 करोड़ रुपए मिलेंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। चुप! अब आया समझ में, जब आया समझ में तब आया समझ में, सब आया समझ में। ये समझ गए, यानी कि फैमिली वाले ही इस कहानी के विलन हैं। फिकर नॉट, क्योंकि उन लोगों को एक रुपया तक नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तुम लोगों को जिंदा रखूंगा, मारूंगा नहीं, और फिर उन लोगों से ज्यादा पैसे वसूल करूंगा। रंगीला रे, चुप, चल कर लू। ये सीता गीता बन ठन कर कहाँ जा रही है? यू ही का क्या मतलब छतलब होता है? अरे, यू ही का मतलब ये कि हम लोग तो अपने पतियों को ढूंढने जा रहे थे। नहीं नहीं, राइट। वैसे आप कहाँ जा रही है? वैसे मैं तुम लोगों को क्यों बताऊं कि मैं तुम लोगों के पतियों को ढूंढने जा रही हूँ? मत बताइए। हाँ, क्योंकि अगर आपने हमें बता दिया कि आप हमारे पतियों को ढूंढने जा रही है तो हमें तो पता चल जाएगा ना कि आप हमारे पतियों को ढूंढने जा रही है। हाँ, तभी तो सस्पेंस रख रही हूँ, फिल्म के क्लाइमेक्स में पता चलेगा ना तो चटका लगेगा, चटका। अच्छा, तो हम चलते हैं, चलते हैं, चलो 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 पास चलो। ये लोग मुझे उल्लू की पट्टी समझते हैं, समझते हैं मैंने बता दूंगी कि मैं इनके पतियों को ढूंढने जा रही हूँ। लाओ जी, मैंने भी नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी माँ ने मेरा नाम ऐसे परमिंदर कौर नहीं रखा। हाँ। ओहो, नूनू, नूनू समझने की कोशिश करो, चेतन और केतन हमारे सेठ जी के बेटे हैं, उनकी जिंदगी बचाना हमारा फर्ज है। अचानक तुम्हें फर्ज कहाँ से याद आया राजा बाबू? तुम ही तो कहते थे कि उन दोनों के मरते ही हमारे लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा होगा, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि रुपए हमें किडनैपर्स को दे देना चाहिए। राजा बाबू, डरने की कोई बात नहीं, पुलिस हमारे साथ है। अच्छा, तुम एक काम करो, अब उनके बारे में सोचना बंद करो और मेरे बारे में सोचो और मुझे प्यारा सा रोमांटिक शेर सुना। क्या कर रही हैं आप? इधर आइए ना। क्यों? आइए ना। आप शेर सुनिए। तेरे इश्क में ये बंदा पड़ा तेरे दर पर है, तेरे इश्क में पड़ा ये बंदा तेरे दर पर है, और तेरे चेहरे की हर चीज अपनी जगह पर है। ये कौन सा शेर है? ये शेर नूनू सिर्फ तुम्हारी तारीफ के लिए है। कैसा लगा? राजू छिछोरे, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, बाबू बच्चों की याद आ गई। अब मैं क्या कह रहा था नूनू कि इस बार बच्चों को हम छुड़ा लेते हैं, अगर अगली बार किडनैप हुए ना तो नहीं छुड़ाएंगे। ठीक है, तुम कहते तो ऐसे ही सही, किडनैपर्स को हम 1 करोड़ रुपए दे देते। ठीक है, मैं किडनैपर्स को फोन करके पूछ लेता हूँ कि रुपए कहाँ पहुँचाना है। ओके?
अगर 1 करोड़ हमें मिल जाए तो हम किसी को मुंह नहीं लगाएंगे। हाँ, हम बनेंगे करोड़पति। नताशा, पति मर्द होते हैं, हम औरतें हैं, तो हम बनेंगी करोड़पतियाँ। ओह गॉड, इसको कोई लेके जाओ यार। ओए तारा सिंह। ओए मेरा नाम तारा सिंह नहीं है। हाँ तो फिर दिन में तारे क्यों गिन रहा है? जब शाहरुख खान तारा गिनता था कोई कुछ नहीं बोलता। शाहरुख खान तो खुद एक तारा है। वो कैसा? अब देखो, तारा मतलब स्टार होता है ना। होता है। स्टार मतलब तारा। अच्छा। तुझे नहीं आती अंग्रेजी, तू मुझे ये बता कि ये दोनों कहाँ हैं? लगता है ये भी सांप से पैसा वसूल करने आया है। अच्छा? और कुछ, ये लोग अभी इधर नहीं रहते हैं। तो फिर कहाँ रहते हैं? आप कल आना, मैं इनसे पूछ के कल बताऊंगा। तू मुझे इनसे मिला दे, मैं खुद ही पूछ लूंगी। अभी जाओ आप, इधर कोई नहीं रहता। और तूने अभी कहा ना कि मैं पूछ के बताता हूँ। तो बोलता ना, जाओ। ये यहाँ कहाँ से आ गई? ये यहाँ क्या कर रही है? पता नहीं, मगर एक बात मुझे पता है, अगर इसने हमें यहाँ देख लिया ना तो सारा प्लान चौपट। अब क्या करें? क्या करें? आइडिया। चोर, चोर! लेडी चोर, लेडी चोर, लेडी चोर! पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो! चोर, किधर है चोर? चोर, किधर है चोर? बचपन में मैंने अमरूद चुराए थे, लगता है पता चल गया। चोर, चोर, गई। थैंक गॉड, थैंक गॉड। अब हमें 1 करोड़ को लूटने का प्लान बनाया। 1 करोड़? हाँ, 1 करोड़। नूनू, रुपयों का बैग बिल्कुल तैयार है, चले। भाई साहब, आप रुपयों का बैग भूल गए। थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बैग तो मैं भूल ही गया, अभी लेके आता हूँ। अरे, ये पत्थर किसने रख दिए? उठाइए ना पत्थरों को। हाँ सब। क्या? वो जो बैग है वो हमारे हवाले करो। बैग चाहिए तो बैग की दुकान में जाइए। चालाक बनने की कोशिश मत करो, मैं उस बैग की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारी गाड़ी में पड़ी हुई है। कौन हो तुम लोग? मैं कंवर सिंह। और मैं ठाकुर बलदेव सिंह। गब्बर सिंह, ठाकुर बलदेव सिंह, एक साथ? लेकिन तुम्हारे तो हाथ सही सलामत है। हाँ, वो हाथ कटने से पहले हम दोनों दोस्त थे। ओ, आ, और हम लोग साथ में डाका भी डालते थे, और इसीलिए आज भी हम दोनों साथ में आए, समझे? बात को समझ में नहीं आ रही है। अभी आ जाएगी। चलो जल्दी जल्दी बैग हमारे हवाले करो, जल्दी। ये रिवॉल्वर असली है, अभी पता चल जाएगा। नहीं, तो मुझे नहीं पता करना ये असली है या नकली है, ये इन्होंने पूछा, इनको बताओ। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, जल्दी जाओ और गाड़ी में से बैग निकाल के लाओ, जाओ, नहीं तो इसकी खोपड़ी कहीं समझो। राजा बाबू प्लीज जाओ ना, मुझे नहीं मानना। एक मिनट, लेके आता हूँ। बस बस बस, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। नीचे रखो, नीचे उठाओ बैग, और हिलने की कोशिश मत करना, समझे? बिल्कुल, चलो बिल्कुल हिलने की कोशिश। अगर हिलने की कोशिश की तो गोली मार देंगे। देखो वाकई ये रिवॉल्वर असली है। चला देखो, चला देखो, पानी, इसे कहते हैं अरमानों पर पानी गिरना। राजा, रस्सी खुल चुकी है। हाँ?
मौका अच्छा है, चल भाग लेते पकड़। लेकिन भाई अगर हम उन्हें बिना बताए भागेंगे तो वो लोग बुरा मान जाएंगे ना, और अभी सो रहे, एक काम करते बता के चलते हैं। रंगीला तेरा ससुराल लगता है आसानी से भागने देगा। वो मेरा ससुराल लगता है? देख छोटे, सिचुएशन बहुत खराब है, आज तू कुछ भूलना नहीं प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं भूलूंगा, और वैसे भी अगर कुछ भूला ना तो तू मेरा नाम बदल देना। मतलब भाई कौन सा नाम अच्छा रहेगा? मतलब तुझे भूलने का दौरा पड़ेगा। दौरा पड़ेगा नहीं, दौरा पड़ चुका है भाई, और पापा को भी दिल का दौरा पड़ा था। वैसे दिल का दौरा बहुत बुरा होता है। आप नाम क्या बताया आपने? हैं छोटे, तेरा कुछ नहीं हो सकता है, तू चल चल। अरे कहाँ चल चल लगा रखी है भाई है? और कौन हो तुम, मुझे कहाँ ले आ रहे हो? नाम क्या है तुम्हारा? और कौन? अरे घर का मेरा यही घर है, सब लोग सो रहे हैं घर में। चल ना। अरे नहीं, अरे बचाओ, अरे तुम्हारा भाई, बचाओ मुझे, ये लेके जा रहा है। कौन है, कौन है, कौन है भाई के अड्डे पे फंडा करने वाला? कौन है? हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। ओए क्या रे, तुम लोगों ने क्या ये गब्बर का अड्डा समझ रखा था, जहाँ से जय और वीरू फरार हो जाए? भाई का अड्डा मौत का अड्डा है, आप दिखा अड्डा खड्डा है, मौत का खड्डा है, मौत का खड्डा है, यहाँ से कोई बच के नहीं आ सकता, समझे क्या? नहीं भाई, लेकिन हम लोग तो भाग रहे थे, इन्होंने हमें पकड़ कैसे लिया? चुप कर इडियट, सबकी किराबे पानी भर दिया। मैंने पानी पीना? ओए हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। और क्या मेरी तरफ से घूर घूर कर क्या देख रहे हो? रिटायर टिकट लो, अपनी जगह पे बैठ जाओ। कितनी देर हो गई, अब तो होश में आ जाओ, अपनी आंखें खोलो नूनू। आफ्टर ऑल नूनू तुम होश में आई गई। क्यों, आपको ऐसा लगता था कि मैं कभी होश में नहीं आऊं? नहीं, 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 वो बात नहीं है नूनू। जाओ, मैं नहीं बात करती तुमसे। तुम जानती हो जब तुम गुस्सा होती हो तो कैसी लगती हो? कैसी? भूत। भूत? मैं तुम्हें भूत लगती हूँ? गया। क्या गया? नहीं नहीं, तुम्हारा गुस्सा गया। भला मैं तुम्हारे साथ क्यों गुस्सा हो जाऊँ? मुझे तो तुम बहुत अच्छे लगते हो राजा बाबू। तुम्हें भी मैं पसंद हूँ ना? हाँ। मुझे बताओ मेरी कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मेरी आँखें, मेरे होंठ। कौन सी चीज, कौन सी? मूंछ। क्या? गया। क्या गया? ये हाना हाना क्या लग रखा है? आ, आ, आ। और वो 1 करोड़ रुपए का क्या हुआ? मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। एक्चुअली मैं गब्बर सिंह और धनिया धनीलाल को ढूंढ रहा हूँ। धनीलाल? नूनू क्या हुआ, फिर से बेहोश कैसे हो गई? नूनू, नूनू। राजू छिछोरे, उठा उठा इसको। अरे उठा उठा तो ऐसे बोल रही है जैसे बहुत हल्की हो। अरे यार, पैसे का भी कोई वजन होता है क्या? हाँ यार, लगता है पूरे 1 करोड़ रुपए है। मेरे हाथों में तो बहुत खुजली हो रही है और मेरे आंखों में। चल चल जरा देखते हैं कैसे लगते हैं 1 करोड़ रुपए। तू खोल, मैं जरा उससे बात करूं लल्लू से। अरे भूख लगी है, खाना है। कौन आया भाई? कौन आया? हेलो, मेरा फोन है। हेलो हेलो बेटा, चेतन नहीं, कल्लू। कल्लू भैया? ये तेरे को अपन के भैया दिखता है क्या? मेरा मतलब था कल्लू भाई। कल्लू भाई, क्या मैं चेतन से बात कर सकती हूँ? तुम कौन? मैं उसकी पत्नी। पत्नी? क्या बात है, ये तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। घर में सेफ डिपॉजिट पड़ा है और यहाँ करंट अकाउंट से खर्चा चला रहा है। घर में पत्नी पड़े लिए और यहाँ बाहर छोकरी से काम चला रहा है, क्या बात है। ले। हेलो। हेलो, नताशा बोल रही हूँ। ओ तुम? हाँ मैं। हाँ दूसरी कहाँ है? जब पहली है तो दूसरी भी होगी बेटा। वैसे मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि हमने तुम्हारे घर से 100 रुपये उड़वा लिए। कौन से रुपए? वही रुपए जो तुम्हें देकर तुम्हारे घर वाले तुम्हें छुड़ाने वाले थे। हमें? हम क्या जेल में बंद है जो हमें छुड़वाओगी?
बेवकूफ, तुम्हें किडनैप किया गया है। किडनैप? अरे हमारा किडनैप कौन कर सकता है मैडम। ओह माय गॉड, सुनो तुम उस बुलक का नंबर 2 को फोन दो, केतन को, समझे? जल्दी फोन दो उसे। कौन केतन? तुम्हारा भाई केतन। और कौन? अरे कोई भाई भाई नहीं मेरा। यार इसको तुम पकड़ोगे।